टोल नाके पर एक कार रुकी। बैरियर के पास खड़े शख्स ने कार वाले से टोल देने का इशारा किया। तभी कार सवार युवक टोल का बैरियर तोड़कर भागने लगा। इसके बाद टोल पर खड़ा शख्स कार को रुकवाने के लिए कार के आगे आ गया, लेकिन कार नहीं रुकी। दिल को दहला देने वाला ये मंजर जालोर जिले के मांडलवा टोल प्लाजा का है, जहां कार में सवार कुछ बदमाशों की गुंडागर्दी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। टोल मांगने पर कार चालक को इस कदर गुस्सा आ गया कि उसने कार रोक रहे टोल कर्मी पर ही कार चढ़ा दी। कार रोकने के लिए जब टोल कर्मी कार के आगे आया तो कार चालक ने कार की रफ्तार और तेज कर दी। तकरीबन 20 मीटर तक कार के बोनट पर टोल कर्मी को घसीटा गया। इसके बाद जब वो नीचे गिरा तब भी कार नहीं रुकी। पास मौजूद लोगों ने जब तक कार को रोकना चाहा तब तक टोल कर्मी कार के नीचे दब चुका था। जैसे तैसे टोल कर्मी को कार के नीचे से बाहर निकाला गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया। इस घटना के बाद मौके से कार में सवार एक शख्स को लोगों ने पकड़ लिया। पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन कार में बैठा दूसरा शख्स भाग निकला, जिसकी तलाश जारी है। दिल को दहला देने वाली इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि अब राजस्थान में अपराधियों के दिलों से कानून का डर खत्म हो चुका है। राजस्थान तक के लिए जालोर से नरेश बिश्नोई की रिपोर्ट।